नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देखते हैं क्वेश्चन आर भारत। मैं चाहता हूं कि वीडियो आप पूरी देखें। अगर पूरी नहीं भी देख सकते हैं तो जो मेरी इसमें गुजारिश है उस पर ध्यान दें, इस वीडियो को शेयर करें और कुछ भी करके ये वीडियो प्रयागराज की जनता, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के नाक में दम कर दे, इस बात का आप प्रयास करें। और ये जो हॉस्पिटल है इसका लाइसेंस कैंसिल हो, अगर ये जाँच में गलत पाया जाता है तो, इसका भी आप प्रयास करें प्लीज। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो। हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। मुझे पता नहीं कि खबर आपको पता है कि नहीं, मात्र 3 साल की बच्ची, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि मात्र 3 साल की बच्ची के स्टिचेस को ओपन छोड़ दिया गया, ढंग से उसको ट्रीट नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, वो 5 लाख रुपए नहीं दे पाए, इनकी पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक, ये NCPCR का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडी है उसने जो कंप्लेन की, जो FIR दर्ज कराई, जो DM से रिक्वेस्ट की है, उसका ये कहना है। आइए पढ़ के भी सुना देता हूँ इंग्लिश में। NCPCR writes to Prayagraj collector over reports of death of a 3-year-old girl due to non-submission of total money for operation in United Medicity Hospital. ये हॉस्पिटल कहाँ है? अगर कोई इसके नज़दीकी में, कोई इसको जानता है, कुछ भी करता है, तो ये इंश्योर करिए कि ये मेरी वीडियो वहाँ तक भी जाए। उनसे मैं पर्सनली कुछ कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के एंड तक कहूँगा हो सकता है। Hospital had allegedly sent her away without stitching her stomach. पेट खुला छोड़ दिया। ऑपरेशन व्हेन ₹5 लाख कुडंट बी सबमिटेड, ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लिखा प्रयागराज कलेक्टर। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुए आप उस चीज को भी समझ लीजिए कि पहले तो इन्होंने NCPCR ने वो किया कि इंक्वायरी हो, 24 घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें पता लगाई जाए और फैमिली को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। उस हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन सतपाल गुलाटी, उस यूनाइटेड ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन, इनका ये कहना है कि स्ट्रेचिंग हुई थी, स्ट्रेचिंग हैड बीन डन, आई थिंक व्हेन शी वाज बीइंग ट्रीटेड समवेयर एल्स दे माइट हैव चेक्ड इट एंड स्टिचेस वुड हैव ओपन्ड। मतलब अगर वो कहीं, जब वो कहीं और ट्रीटमेंट करा रही थी हमारे यहाँ से चले जाके, क्योंकि आगे इन्होंने मेंशन किया है कि हमने रेफर कहीं और कर दिया था मेडिकल कॉलेज में, तो जब वहाँ ट्रीटमेंट हुआ तो उन्होंने शायद उसको खुला छोड़ दिया होगा, यहाँ से तो वो स्टिचिंग करके भेजा गया था। शी वॉज इन यूनाइटेड हॉस्पिटल फॉर 15 डेज, वो 15 दिन से थी जब उसकी हालत ख़राब हुई, तो उसको और ऑपरेट किया गया, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे क्योंकि परिवार गरीब था, ये भी कहना है। और देखे कि रिकवरी नहीं हो पा रही तो उन्होंने उसको मेडिकल कॉलेज के लिए अगले ही दिन रेफर कर दिया, ये गुलाटी साहब का कहना है। तो मतलब हॉस्पिटल ने भी अपना पक्ष रख दिया, NCPCR ने भी अपना पक्ष रख दिया। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द वीडियो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड फॉर्म्ड अ टीम टू प्रोब द मैटर, उन्होंने टीम फॉर्म कर ली। द रिपोर्ट विल बी गिवन टू द DM, प्रोब इज अंडर वे, पोस्टमार्टम इज बींग डन। CMO प्रयागराज ऑन डेथ ऑफ 3-year-old गर्ल एलिजिबली ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ मनी फॉर ऑपरेशन। तो CMO प्रयागराज का कहना है कि इसका कॉन्ग्निजेंस लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोल दिया गया है, एक टीम बनाई गई है और जल्द से जल्द इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी जाएगी और इसकी जांच होगी कि क्या हुआ, रियलिटी क्या थी, क्योंकि NCPCR का पक्ष कुछ और है, हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन का पक्ष कुछ और है। अब जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल का आदमी तो ये नहीं कह देगा ना कि हाँ हमने पेट इसलिए घोड़ा छोड़ दिया क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे थे। उनका तो ये कहना कि हम 15 दिन से ट्रीटमेंट कर रहे थे और पैसा नहीं ले रहे थे, बस हमने रेफर कर दिया हुआ। इतना अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता था, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब मेरी रिक्वेस्ट उस जनता से है जो प्रयागराज की, मेरी रिक्वेस्ट DM साहब से है प्रयागराज के, मेरी रिक्वेस्ट CMO से है, CM से है, और ये रिक्वेस्ट इसलिए है, सिर्फ इसलिए भी है कि आप ही का मोटो है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब बेटी 3 साल की है, आपके राज्य का प्राइवेट हॉस्पिटल हैंडल नहीं कर पाता, उसकी जान चली जाती है अगर प्रूव हो जाता है। आपके राज्य में हेल्थ कार्ड को, आयुष्मान भारत योजना को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सारे गरीबों के पास है, लेकिन इनके पास नहीं होता है। 5 लाख का ही अमाउंट था ना, और 5 लाख का ही आप भी देते हैं सुविधा, और हॉस्पिटल ने भी इतना मांगा था। तो अगर ये एलिगेशन साबित हो जाता है तो क्या 5 लाख, या मतलब
उन तक ये क्या नॉलेज नहीं थी कि कोई हेल्थ कार्ड जैसी भी कोई चीज़ है? तो ये भी सरकार की गलती है कि हम वहाँ तक अवेयरनेस नहीं फैला पाए, वरना 5 लाख की बात थी, सारे बच्चे जिंदा होते। मेरी मांग यहाँ पे ये है कि इसकी जांच निष्पक्ष और जल्द से जल्द हो। निष्पक्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा दे के, फंडिंग दे के, इलेक्शन भी आ रहा है, हर तरह का दबाव बना के अपने आप को क्लीन चिट दिलवा लेते हैं। अगर ये साबित होता है ये हॉस्पिटल अपने पार्ट में लैग कर रहा है, उसकी गलती से, उसकी लापरवाही से बच्ची की जान गई है, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, वो बिल्डिंग सील होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी बेची जानी चाहिए और पेरेंट्स को कंपनसेशन भी दिया जाना चाहिए, और उसके बदले में आप इंश्योर करेंगे कि जितना पैसा आप रिकवर कर पा रहे हैं प्रॉपर्टी बेच के, जो करके पूरा तबाह कर दो उस हॉस्पिटल को। एक बच्ची की जान चली गई है और उस पैसे से पूरे स्टेट की नहीं तो कम से कम पूरे प्रयागराज के गरीब बच्चों को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराई है। भविष्य में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ये लापरवाही करने से पहले लाख बार सोचेगा और कर तब भी नहीं पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में छुपता कुछ नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक कानून बनाइए कि प्रायोरिटी पेशेंट के हेल्थ की होगी, ना कि उनसे लिए जाने वाले पेमेंट की। आप उसकी हेल्थ इंश्योर करिए, उसको भला चंगा कर दीजिए, उसके बाद आप उससे सरकारी तरीके से पैसा वसूलते हैं, जैसे जो भी आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है उसके थ्रू कई ये कार्ड बनवा दें। हॉस्पिटल्स में ये सुविधा होनी चाहिए, एक आदमी होना चाहिए सरकार का जो उनका कार्ड बनवाने में मदद करे गरीबों का। ये आप नहीं कर सकते थे, करिएगा। या फिर कहीं किसी बैंक से लोन, कुछ भी, मतलब अगर आपकी हेल्थ आपने सिक्योर कर दी तो जान से बढ़कर क्या है, वो पैसा कैसे भी ला के दे देगा। लेकिन आजकल के प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसा ही सब कुछ है। खैर, मैं चाहता हूँ इस बात को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाइए, इस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवाइए अगर ये गलत साबित होता है तो, और इस जाँच को आगे बढ़ाया जाए, इस बात का प्रेशर बनाइए ताकि और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। बेटी बड़ी ही नहीं हो पाएगी, बच ही नहीं पाएगी तो पढ़ेगी क्या और भारत के लिए कुछ करेगी क्या? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।